नमस्कार, सुप्रभात। रियाज विद राजेश्वरी शर्मा के इन रियाज की सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने बहुत ही खूबसूरत बोल घिन 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 धा का रियाज किया था, पैरों से बहुत ही खूबसूरत निकास के साथ। आज हम रियाज करने जा रहे हैं पढ़ंत का। पढ़ंत का क्या अर्थ होता है? पढ़ना लयबद्धता के साथ, बोलों को बोलना लयबद्ध होकर पढ़ंत कहलाता है। कथक में पढ़ंत की जो भूमिका है और जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कला का विषय है कथक, ये पढ़ंत से ही शुरू हुआ है, कथा से ही इसकी शुरुआत हुई है। इसलिए इसमें पहले पढ़ंत और बाद में करना साथ साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले नंबर पे पढ़ंत आती है। इसलिए पढ़ंत का रियाज शुरू से ही हमारा होना ही चाहिए। पहले एपिसोड में हमने किया पढ़ंत रियाज के जो लाइव एपिसोड्स हैं, उसमें हमने जो पहला एपिसोड किया था वो था तत्कार के बोल का रियाज। यदि आपने नहीं अभी तक किया है फर्स्ट एपिसोड के साथ प्रैक्टिस, तो आप तत्कार की ये जो फर्स्ट एपिसोड है इससे प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड एपिसोड हमने किया था तीसर जाति का पढ़ंत रियाज, तकिट धिकिट का, तो उसका जो मूल बोल था तीसर जाति का, ये भी सेकंड एपिसोड में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं किया है रियाज, तो आप पढ़ंत का रियाज कीजिए तीसर जाति का सेकंड एपिसोड के साथ। आज है हमारा थर्ड एपिसोड, ये हम सारी जातियों का रियाज कर रहे हैं। उसके बाद हम अलग अलग बोलों का करेंगे, क्योंकि ये तो अभी जातियों के मूल बोल का रियाज है। जो जातियों के मूल बोल होते हैं उनका रियाज हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब हमारी जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम जातियों के जो वेरिएशंस बोल होते हैं कई तरह के, जैसे धातृ दिगृत, इसका रियाज करेंगे, या के तरीके इसका रियाज करेंगे। लेकिन मूल बोल जो जातियों के हैं पहले वो हम फिनिश कर लें, उसके बाद, तो आज खंड जाति है, उसके बाद हम करेंगे मिश्र जाति, और उसके बाद संकीर्ण जाति का रियाज करेंगे पढ़ंत का। तो आपको तो पता ही है पैरों से जो हम रियाज करते हैं फुटवर्क का, तो उसमें हम जातियों में तीसर जाति और चतुर्थ जाति कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें जो चतुर्थ जाति है उसके 16 एपिसोड अलग अलग बोलों के ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। तीसर जाति के 7 एपिसोड अलग अलग बोलों के हम कर चुके हैं मूल बोल के साथ में। अब हम ये पढ़ंत का रियाज कर रहे हैं सभी जातियों का। आज हम करने जा रहे हैं खंड जाति का रियाज। तो आइए शुरुआत करते हैं खंड जाति के पढ़ंत की प्रैक्टिस। साथ बोलिए तक ती टे 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 तक ती टे
Tak ketak kita 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 tak ketak k
अब हम इसको बेस में बोलेंगे, बेस में तक तक इटे तक तक इटे तक तक इटे तक तक इटे, इस तरीके से, जैसे ताकि हमारा जो बेस है, जो हमारा नीचे का जो खरज है, उसकी जो साउंड प्रोड्यूसिंग है, उस पर हम रियाज, उसका रियाज कर पाए। तक तक इटे 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 तक 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 इटे 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 अब हम तार सप्तक में, यानी कि ऊपर की वॉल्यूम का रियाज करेंगे इसी में।
थोड़ी सी अब स्पीड भी हल्की सी बढ़ाएंगे और मीडियम उसमें मीडियम वॉल्यूम में रियाज करेंगे उसका। Sing
जंगल में बोलेंगे तक तक किट तक 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 किट तक 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 किट तक तक किट तक 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 किट 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 तक 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 किट 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 बोलते रहिए तक तक किट तक तक किट तक तक किट तक तक चार बार सिंगल चार बार डबल तक तक किट 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 तक 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 किट 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 तक तक इसमें क्या जा रहा है चार बार सिंगल जा रहा है और आठ बार डबल जा रहा है क्योंकि हम डबल कर रहे हैं ना तो फोर टू जो एट तो एट टाइम्स डबल जा रहा है और फोर टाइम्स सिंगल जा रहा है सिंगल चार डबल आठ तक तक किट तक तक किट तक तक किट तक तक किट तक 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 किट 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 अब हम
डबल में ही थोड़ी देर बोल के इस सेशन को खत्म कर देंगे। मुंह को खुला रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, और बोलते समय बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा लाउड बोल रहे गलत हो जाए कोई बात नहीं, वापस शुरू करो। जो पढ़न होती है ना, उसमें सही जगह पर सांस लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप तक के बीच में सांस नहीं ले सकते, तकिट है और दूसरा जो तक तकिट है उसके बीच में आपको सांस लेनी होगी, और स्मार्ट तरीके से लेनी होगी, जिससे ताकि वो फ्लो जो है उसका वो टूटे ना। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम पढ़ंत कर रहे हैं उसमें सांस का सही सही प्रयोग करें। बीच में जैसे आपने तक के पहले ले लिया, तक के बाद ले ली, तो बोल टूटेगा। तो आपको लेनी भी है सांस, तो इस तरह से लेनी है कि उसका जो फ्लो है वो बना रहे, वो करते करते आएगा। जब आप करेंगे, पहले आप स्लो में ही करेंगे, तो स्लो से ही आपका सांस का बीच का जो एक मार्जिन होता है वो धीरे धीरे आना शुरू होगा। डबल में एकदम नहीं आएगा, तो आप पहले सिंगल में ही उसको काफ़ी देर रियाज समय तक रियाज कीजिए। फिर उसके बाद डबल भी जब आप करेंगे तो अपने आप सांस उसको ऑटोमेटिकली ले लेती है। ऐसा नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा कि सांस कैसे लिया जाता, वो ऑटोमेटिकली जो है वो सांस आने लगेगी आपको बीच बीच में। कहाँ लेनी है अपने आप ही होगा वो, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपका जो फ्लो है वो ना टूटे। तो आज हमने खंड जाति का रियाज किया है और पढ़ंत का। अब अगले एपिसोड में हम मिश्र जाति को साथ में लेकर आएंगे, और मुझे आशा है आप लोगों से कि आपको नृत्य में विकास आपके हो रहा होगा इन सभी एपिसोड से हमारे, और लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और ये सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस जो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, यदि आपको, क्योंकि हम इस वक्त तीन जगह पर लाइव हैं, Facebook, YouTube और Instagram पे, अगर Facebook और Instagram पे कहीं आपको कोई वीडियोस में तकलीफ आती है, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन कथक डांस क्लासेस बाय गुरु राजेश्वरी शर्मा के चैनल पर आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। वहाँ ये आपको वीडियोस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही सही तरीके से आपको वहाँ व्यवस्थित मिलेंगे, जहाँ आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे चैनल पे मेंबरशिप आई हुई है, जो ये सब मेरे रियाज के वीडियोस हैं, ये सब मेरे मेंबर्स के लिए मैं बना रही हूँ, और चाहती हूँ कि जिनको लगता है कि नृत्य यात्रा में उनके लगातार मेरे साथ चलते हुए विकास हो रहा है, तो वो मेंबरशिप ज़रूर लीजिए यही सब वीडियोस के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे ताकि सारे जो नए सबक के वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको लगातार आते रहें, और अगले ही नए सबक के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ, नए प्रयोग के साथ, नई चीज़ों के साथ सीखना, सुनना, देखना, बोलना, सभी कुछ हमारे चैनल पे एक साथ चल रहा है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे
स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है हमारे चैनल से और वो अपने नृत्य में विकास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियोस वो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मेरी वजह से कथक जगत में योगदान जो मेरी तरफ से हो रहा है उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और मैं चाहती हूँ ये पूरे मेरे जो जीवन की जो ये आधारशिला है कि मैं कलाकारों को कुछ दे पाऊँ, उनको जिनको ज़रूरत है ऑथेंटिक नॉलेज, प्योर नॉलेज, शुद्धता के साथ वो मैं दे पा रही हूँ, और भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स को इन सब वीडियोस से फ़ायदा हो ऐसी मैं आशा रखती हूँ। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको और भी ज़्यादा रियाज़ करना है तो आप इसको रिवाइंड करके वापस स्टार्ट कर सकते हैं। ये पढ़ंत का रियाज़ तो आप कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते, खाते उठते बैठते आप लगा के रखिए हेडफोन्स। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप सिर्फ सुनिए, सुनने से भी आपको बहुत आपकी पढ़ंत में फ़र्क पड़ेगा। बोलना और पढ़ना तो बहुत अलग बात हो गई, लेकिन अगर आप सिर्फ सुन भी लें, लगा के भी रखें वीडियो अपने घर में, तब भी आपकी लय भी सुधरेगी, आपकी पढ़ंत बिना बोले भी सही होगी, अच्छी होगी सुन सुन के। क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना आप बोलेंगे, जितना आप बोलेंगे उतना आप करेंगे। सब चीज़ें साथ में कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। आपके अंदर जो सक्षमता है उस वक्त वो करिए। आप सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते तो सिर्फ सुनिए, सिर्फ बोल सकते हैं कर नहीं सकते तो बोलिए, अगर कर सकते हैं तो बोल कर करिए। बोल बोल के करने का की एक आदत डालिए, जिससे ताकि करते करते भी आप पढ़ंत का रियाज कर सकें। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार साथ में जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।